अब आगे बढ़ते हैं और जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी आर्टिस्ट ने जिन्होंने जो तालीम हासिल की वो तो थी प्री मेडिकल की, लेकिन जो उनका शौक था वो तो था रंगों से खेलना, और इतना कमाल ये रंगों से खेले कि इन्होंने अपने कैनवस को ही सिर्फ सजाया। इन्होंने कराची की वो दीवारें जो कि बिल्कुल सोनी सोनी थी उसको अपना कैनवस समझ के वहाँ पे ग्राफिटी जो है वो शुरू की, और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और स्पेसिफिकली ये कैसी खातून है जो कि पाकिस्तान की पहली वाहिद हिजाबी जो है ग्राफिटी आर्टिस्ट? जी बिल्कुल ग्राफिटी आर्टिस्ट जी। तो जनाब बात कर लेते हैं कुरतुल ऐन एजाज से जो साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरत, कैसी हैं आप? खैरियत से? तो ये बताइएगा कि जिस तरह से मदिया ने तस्करा किया कि कराची की सोनी दीवारें तो नहीं है, पान की पीके, तरह तरह के आपके अमराज के मशवरे उसके अंदर मुफ्त दर्ज होते हैं जी, तो कैसे ख्याल आया कि इसको चेंज करना चाहिए? असल में ये ग्रेजुअली हुआ कि जब मैंने लाइक बचपन में स्टार्ट किया तो वही जैसे बच्चों की ड्राइंग्स होती हैं और उस तरह काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती थी टीचर्स से और फ्रेंड्स से, तो फिर वो ग्रेजुअली वो इवॉल्व होता गया क्योंकि मैंने आर्ट्स की कोई ऐसा बेसिक फील्ड नहीं पढ़ी, कोई एजुकेशन या कोई कोर्स वगैरह उस तरह से नहीं किया हुआ कि मैं एक तरफ हो जाती, तो वो इवॉल्व होता रहा जो जो चीज़ समझ में आती रही। बीच में फिर मैंने स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप भी स्टार्ट किए थे जो वो ब्लड आर्ट होता है और उस तरह से। वाओ, तो कितना मुझे बताएं क्योंकि देखिए ऐसा भी नहीं कि आप अकेली हैं, आपके सर पे जिम्मेदारी भी है और उस जिम्मेदारी को साइड पे रखकर आप साथ में बाहर निकलती हैं, और कराची की सड़कें मर्दों के लिए सेफ नहीं है, वहाँ पर एक खातून ग्राफिटी आर्टिस्ट को हम देखते हैं कि वो बड़े आराम से मुतमईन होके रंगों से काम कर रही होती हैं, जब तक आर्टिस्ट पुरसकून नहीं होगा वो नहीं काम कर सकता। आप ये कैसे कर लेती हो? असल में जो जिम्मेदारियाँ वगैरह हैं उनको तो साथ साथ लेके चलना पड़ता है, आप ये नहीं कर सकते आप एक काम छोड़ दें और फिर दूसरा काम करें, तो वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो अब ये है कि जैसे ग्रेजुअली बैलेंस भी करना सीखा उस चीज़ को, मैंने फिर थोड़ा सा कुछ सालों का ब्रेक भी लिया था जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो वो चीज़ें थोड़ी सी एनालाइज करनी पड़ती हैं कि क्या लॉस की तरफ से, घर वालों की तरफ से, जाहिर है जिस तरह से सेफ्टी के हवाले से बात की तो ये बड़ा कंसर्न होता है कि यार सड़कों पर लोग देख रहे होंगे और जो माहौल है, तो उस सिलसिले में ये कैसे उन्होंने क्या रिस्पांस किया था? उनका तो रिस्पांस पॉजिटिव था क्योंकि वो पहले से जानते थे कि मैं ये काम करती हूँ, तो अगर ना जानते होते तो वो एक अलग बात थी कि फिर बाद में कन्विंस करना पड़ता और सारा कुछ होता। तो मैंने ये 17-18 ईयर्स में स्टार्ट किया था। अच्छा, तो रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करती हैं आप कुरत? उस टाइम पे तो खैर मतलब अब्बू ही किया करते थे मुझे सपोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे उस तरह का उस टाइम पे कल्चर नहीं था इतना ज़्यादा कि लोग इस चीज़ पे पैसा लगाएं या इस चीज़ को वैल्यू भी दें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ज़ाहिर है फिर जब एक चीज़ आपने मेहनत की, जैसे आप पढ़ाई का होता है कि आप फीस जमा कराते हैं, आप पढ़ते हैं, वो स्किल सीखते हैं, तो समझे ये सेल्फ टॉट में मैंने अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट की कि इस पे मैं अपना इन्वेस्ट करूँ और फिर नाउ आई डू इट। तो अब ये है कि जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और काफी ज्यादा इस चीज़ का ट्रेंड आ चुका है। अब कराची की सड़कों को खूबसूरत बनाने के लिए, तो ये जो सफर था आपका, पहली दीवार कौन सी थी जिसको आपने रंगा था? पहली दीवार मेरी थी कराची यूनिवर्सिटी में जो एनुअल कार्निवल हुआ था, वहाँ से मुझे इनविटेशन आई थी। तो उस टाइम तो मैं फर्स्ट ईयर में थी इंटर के, तो वो मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि ये किस तरह का आर्ट वर्क है, चलो पेपर पे समझ में आता है या कैनवस समझ में आता है, तो ये वॉल पे स्प्रे पेंट्स किस तरह यूज़ करोगे तुम? तो मैंने कहा एक दफ़ा चले आइडिया हो जाएगा, करके देखते हैं। अब वो ज़ाहिर है वो ट्रस्ट कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, तो कोई वजह है ना, उन्होंने कुछ देखा है इस तरह। तो वो मैंने 2014 में किया था सबसे पहले। सो अब तक कितनी दीवारें जो है वो आप अपने फन से भर चुकी हैं? ऐसे तो याद नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 15-20। कितना टाइम लगता है? हम एक खूबसूरत दीवार तो देखते हैं, हम उस पर कमेंट करके बड़े आराम से निकल जाते हैं और साथ में वो टिकटॉकर्स उसके आसपास मंडलाते रहते हैं। ये नहीं पता होता कि जितनी खूबसूरत दीवार है उसको बनने में कितना टाइम लगा होगा, रंगने में कितना वक्त। असल में डिपेंड करता है कि आपने डिटेलिंग कितनी करनी है और कितना ज्यादा बड़ा काम है। तो मुझे तो नॉर्मली जो एक मैं बेसिक जो वॉल कर लेती हूँ वो तकरीबन 2 घंटे में कर लेती हूँ। ओके जी। उसमें जी आप उसमें वो वॉल पेंट भी इंक्लूड होता है कि खुद रोलर से आपने करना है, फिर स्केच होता है, फिर उसके बाद टोटली स्प्रे पेंट से करना होता है। ओके। और उसके अंदर जाहिर है कि दीवार को दोबारा से जरूरत भी होती है उसको टचअप करने की, बाद में अगर कुछ वो करती हैं आप दोबारा जनाब, ये अभी थोड़ी फीकी पड़ गई है। जी जाहिर है वो तो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है एक आर्टिस्ट अपने काम से, वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो कभी ग्रो नहीं कर सकेगा। कहाँ पे आप देखती हैं, क्योंकि देखें हम कराची में अच्छे जब रंग देखते हैं तो आपका मूड चाहे जैसा मर्जी हो, कलर्स को देख के ना आपका मूड बदल जाता है, इसलिए कलर्स थेरेपी इसीलिए काम करती है। सो
कौन कौन सी कराची की ऐसी जगह आपको लगती है कि भी मुझे यहाँ पर जो है ना यहाँ पर पेंट करना है, यहाँ पे ग्राफिटी कुछ बनानी है? असल में अभी तो कराची समझे अभी बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है, मतलब अभी बहुत कम है इस तरह की दीवारें, तो वो तो तब होगा जब यहाँ पे बिल्कुल कॉमन हो जाएगा कि भाई ऑलमोस्ट हर इलाके में ही होती है ग्रेफिटी की एक वॉल होती है, या एक लाइक पूरी एक पूरी वॉल या स्ट्रीट ऑफ ग्रेफिटी कह लें, उस तरह का तो अभी तक है ही नहीं यहाँ पे. तो मेरा एक वो मेन फोकस वो है कि इस तरह की हो कि कराची स्ट्रीट से मशहूर हो जाए कि ये ग्रेफिटी और मतलब कॉमन है, सिटी ऑफ ग्रेफिटी आर्ट. अच्छा एक और चीज़ ये, अक्सर दीवारों के साथ कचरा कुंडियाँ होती हैं और इस तरह के होते हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी इलाके में जाके आपने कलर किया और जो दीवार पहले बुरी हो लेकिन आपके उस कलर पेंट के बाद और उसके बाद इस ग्रेफिटी आर्ट के बाद लोगों ने वहाँ पर उनकी थोड़ी सी सोच बदली हो कि नहीं यार अब इस जगह गंदा? जी जी बिल्कुल, लेकिन शुरू में तो काफ़ी मुश्किल आती हैं कि लोग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि खूबसूरत क्यों कर रहे हैं, मतलब उनको इतनी आदत हो चुकी है इस गंदे माइंड सेट की कि उनको ये चीज़ भी बुरे लगती थी कि भाई ये खूबसूरती क्यों हुई, मतलब वो उस अग्लीनेस के इतने आदि हो चुके हैं कि अगर वो खूबसूरत चीज़ वहाँ पे ऐड की जाए तो वो तो उस पर सवालात होते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं आप. तो वो थोड़ा शुरू में होता था लेकिन अब खैर इतना नहीं होता. और फिर ये होता है कि मैं बिल्कुल अकेले काम नहीं करती, मेरे पेरेंट्स या मेरे हस्बैंड में कोई ना कोई साथ होता है, ज़्यादातर तो पेरेंट्स में होता है. और औकात क्या कार क्या होते हैं आपके काम करने के? ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ डे टाइम में, ठीक, क्योंकि अब जाहिर है मेरी बेटी है तो उस हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ. और कमीशन प्रोजेक्ट हो तो फिर तो एक अलग बात है, उसमें आप अपनी टाइमिंग सेट कर लें और अपना डेट सेट कर लें. बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो पर आई एम श्योर कि आपको देखे और बहुत सारी खवातीन शौक है पेंटिंग करने का, जिनको शौक है जो ग्राफिटी आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो ऐसा काम क्यों ना कर लिया जाए कि जिससे आपके शहर को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो. बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, सदका जारिया भी है और अब जो है उन्होंने अर्न करने शुरू किया, उन्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं. पहले ये अपनी मदद आपके तहत इनके वालिद साहब इनको सपोर्ट करते थे और जाहिर है कि इन लॉज भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि माहौल भी ज़रा देखिए उस माहौल में एक लड़की का निकलना और ऐसे काम करना बिलाशुबा एक दाद का मुस्तहक है.